तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2007 में आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्या है देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। एन का वैल्यू 3 है, ऑप्शन 1 में देखो एन का वैल्यू 3 है, मान लो ये 3 है। एल का वैल्यू 0, ठीक है, एल का वैल्यू 0। एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 से एन माइनस 1, ठीक है, 0 को इंक्लूड करके एन माइनस 1, मतलब एल का वैल्यू 2 1 हो सकता है, तो यहाँ पे 0 ये भी सही है। एम का वैल्यू माइनस एल से माइनस एल टू प्लस एल, दैट इज एम का वैल्यू इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, ठीक है, तो एम का वैल्यू भी 0 हो गया। एस का वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये तो मतलब सही है। यहाँ पे पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल है, ऑप्शन 1 इज पॉसिबल, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या है, एन का वैल्यू 2 है तो ठीक है मान लो 2, एल का वैल्यू 2 ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि एल का वैल्यू एन माइनस 1 से 0 तक, तो यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, और बाकी दोनों तो सही है एन और एस, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिट 3 में देखिए, एन का वैल्यू 4 ठीक है, एल का वैल्यू 3 ठीक है एन माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2 ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि एल का वैल्यू अगर 3 है तो एम का वैल्यू माइनस 3 टू प्लस 3 इंक्लूडिंग 0 कैरी करता है, तो यहाँ पे तो माइनस 2 आएगा ही आएगा एम का वैल्यू, ठीक है ये तो ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 भी ठीक है। ऑप्शन आई भी देखिए, एन का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू 0 ये भी सही है, बट एम का वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकता है क्योंकि एल का वैल्यू तो 0 हो गया ना, ये नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन में देखिए, एन का वैल्यू 3 ठीक है, एल का वैल्यू 2 ये भी सही है क्योंकि एल का वैल्यू एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, ये सही है। एम का वैल्यू 3 ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि एल का वैल्यू अगर 2 हो गया तो ये तो माइनस 2 2 प्लस 2 में भारी करेगा इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं है, मतलब कौन सा बिट आपका पॉसिबल नहीं है, बिट 2 बिट आई भी एंड बिट भी। तो आपका पूछा है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो आपका कौन सा पॉसिबल नहीं हुआ, बिट 2 आई भी, तो ऑप्शन बी, ठीक है, थोड़ा लेंदी था बट आसान था, तो ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है।